जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है ये EBS का जो कि आपका महिपुर प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर के साथ है। तो ये मॉडल पेपर जो आपका है न्यूज पैटर्न के आधार पर 28। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को लिंक को शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से पहले जो क्वेश्चन है उसके साथ शुरू करते हैं। इसमें पेडागोजी और पर्यावरण से संबंधित सभी क्वेश्चन साथ साथ में करेंगे। रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो यहाँ से सिंपल सा जो आंसर आपका बन जाता है, रात्रि के समय है जो जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो हम लोगों को देते हैं, बाकी के दिन में जो करते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, पर यहाँ उल्टा करने लगते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में परिवार के कितने संस्कारों की चर्चा की गई? 16, 20, 36, 64। तो ये आपको बताना है कितने की गई है। अगर मैं आंसर की बात करूं 16 प्रकार के, तो याद रखना कितने, 16। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट रेशमी वस्त्र, गन्ना का चीनी से संबंध, अब्रक का विद्युत उपकरण से, या कपास सूती वस्त्र से, या जूट का रेशमी। तो यहाँ से जो ठीक नहीं है वो आपको बताना है। तो 123 का जो आंसर हो जाएगा जूट का जो संबंध है रेशमी वस्त्र से, जो कि गलत। तो यहाँ से आपको कमेंट में ये बताना है जूट का किससे संबंध होगा, तो रेशमी वस्त्र किससे बनाए जाती है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। भूकंप निम्न में से किसके कारण आता है? प्राकृतिक कारण, मानव निर्मित कारण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक कारण। मानव निर्मित से तो भैया आप निर्मित कर सकते हैं कि भूकंप आवा सकते हैं, नहीं आवा सकते हैं। तो जो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है? तो आपको यहाँ से बताना है शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, वृक्ष पर उपस्थित पंक्तियों की संख्या गिनना, वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ, याद रखना है सदा ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है, जो कि गलत है। अगला है, भारतीय कृषि की निर्भरता है मानसून पर, एल नीनो पर, पश्चिमी विक्षोभ पर, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं आंसर की बात करूं यहाँ से, भारतीय जो कृषि की जो निर्भरता है वो मानसून पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए किस पर है, मानसून पर। अगला है, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, 1 और 3 दोनों। तो यहाँ से 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो
तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जो आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप क्या करेंगे, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? पृथ्वी के सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो 129 की अगर मैं आंसर की बात करूं, यहां से क्या हानि होगी? पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, जिसके कारण कैंसर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृहकार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को अपना गृहकार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृहकार्य अवश्य कर लेंगे। तो 130 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का क्या पता चलता रहता है, पता चलता रहता है। तो अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए सभी लोग। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ चर्चा का बोझ कम हो। प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणा को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, बहुत कम शिक्षण करना। तो 131 का आंसर है प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि करेक्ट। निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। तो अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ये कार्बन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों हैं। वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं? ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ एवं सूखा, जल संसाधनों कमी, ए सभी। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, आंसर हो जाएगा ए सभी। अगला यहां से 134 है, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? भाषा और विज्ञान को समेकित करना, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो बताइए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ, वास्तविक प्रक्रियाओं को संकल्पनाओं के साथ एक करना, आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक। तो 135 का आंसर, ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं जो प्रोटीन। अगला है, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, खेलने के बाद बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो 137 का आंसर हो जाएगा, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा 138 का, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, जो कि गलत है। तो ये पूछा था गलत। अगला है, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में, पर्यावरणीय भूगोल में, भू आकृति भूगोल में, वैश्विक भूगोल में। तो 139 का जो आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय भूगोल में। किसका? जलवायु परिवर्तन का।
एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपना उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं, तो 140 का आंसर हो जाएगा, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। थैंक यू।